एवरीथिंग इज क्लियर, सेटल डाउन फास्ट स्टूडेंट्स। चलिए बच्चे जल्दी से सेटल हो जाइए, 10th है। माई रिक्वेस्ट टू द टीचर इन द क्लासरूम, सर सर प्लीज गेट देम सेटल डाउन फास्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट। आई थिंक 10th ए में अभी बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, इन 10th सी आल्सो, डी आल्सो, प्लीज। इट विल टेक अ लिटिल टाइम। थैंक ओके सर, ओके प्लीज कैरी ऑन देन। यू। यस सर, सेटल्ड ऑलमोस्ट। यस सर, सर शैल वी स्टार्ट। हाँ जी यस स्टूडेंट्स, हैव यू डन द एनसीईआरटी क्वेश्चंस? फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए बेटा आप लोगों के? स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? सर। बच्चे फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट्स हो गए आप लोगों के? नहीं हुए? और कोई डाउट्स हैं तो प्लीज बताइए। फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट्स आप लोगों के एनसीईआरटी? नो डाउट इन 10th। ओके, 10A, 10C एंड 10D, प्लीज रिस्पॉन्ड। नो डाउट सर। चलिए ठीक है जी, तो हम आज असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल वन। मॉड्यूल वन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, प्रूव द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा प्लस सीकेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा होल स्क्वायर। वी हैव मेरी बात देखो, पीछे आ गई और आप सारे वहां पे ऑब्जर्वेशन में होंगे, तो मेरी ये नहीं आपको कॉल नहीं कर रहे तो हमने यार। सो वी हैव टू प्रूव साइन थीटा प्लस सीकेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से करना है इसको। आपको सबसे पहले अगेन फर्स्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और टर्म्स को यहाँ पे आप पहले आप डिग्री लगा दीजिए जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। So what this becomes?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा सीकेंट थीटा प्लस सर इज एनी एनी प्रॉब्लम आई थिंक 10 डी सम स्टूडेंट्स आर मूविंग हेयर एंड देयर राइट स्टूडेंट्स सो प्लीज सेटल डाउन बच्चो 10 डी राइट सो वील अप्लाई ए प्लस बी होल स्क्वायर इन बोथ द ब्रैकेट्स सो हेयर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा कॉसिकेंट थीटा नाउ स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम दिस थिंग विल बिकम वन अब जो हमारा थ्री स्टेप में से फर्स्ट स्टेप था कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन एंड कॉस सो अप्लाई कीजिए यहाँ पे secant square theta will become 1 upon cos square theta plus this will become 2 sin theta upon बच्चों ये स्टेप समझ आ रहे हैं आप लोगों को हमने सारी टर्म्स को यहां सबसे पहले हमने आइडेंटिटी लगा दी sin square theta plus cos square theta की वैल्यू 1 और बाकी सबको हमने sin cos में कन्वर्ट कर दिया राइट सो दिस बिकम्स 1 बाय sin square theta Any doubt in this? बच्चों anything not clear in this? अब आपको क्या करना है This term and this term, इनकी अलग से grouping कर लीजिए जी Yes, are you getting it or not, students? Yes or no? Yes, sir. बच्चे आपने सबसे पहले identity लगा दी a plus b whole square. फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एंट्री लगाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बाकी सारी टर्म्स को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया अब इसके बाद क्या करना है हमने वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों की अलग से ग्रुपिंग कर दी है और बाकी दोनों टर्म्स की अलग से ग्रुपिंग कर रही है देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू प्रूव आंसर में वन प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा होल स्क्वायर हमारे पास जब इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं सो व्हाट इट बिकम्स वन प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टू सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा देखिए हम अब इनका दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर ऑफ दिस टर्म विल बी देयर कैसे आएगा बच्चों यहाँ पे आपने एलसीएम लिया दोनों टर्म्स का दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज दिस स्टेप क्लियर बच्चों इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट यस सर नाउ यहाँ पे आपका टू कॉमन आ गया जब एलसीएम लिया आपने तो एलसीएम विल बी साइन थीटा कॉस थीटा And this sin theta into sin theta will be. Is this clear? Any doubt? Any doubt, बच्चों? यहाँ पे identity लग गई बच्चों sin square theta plus cos square theta one. So this will become one upon. Similarly, यहाँ पे भी identity लग गई. So this will be right. नीचे वाला विजिबल है आप लोगों को या नहीं है जी नीचे विजिबल है या नहीं है जी
यस, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, टोटली बिल्कुल मम। बच्चे बताइए, आपको नीचे वाली चीज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? कट रहा है नीचे से। आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट स्टेप कराता हूँ, फिर इसको दोबारा से रिपीट कराता हूँ। प्लीज नोट डाउन दिस। हो गए बच्चों, अब मैं ये ऊपर वाला पार्ट जो है क्लीन कर रहा हूं। और आई विल फिनिश दिस क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे आ गए हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर sin² थीटा cos² थीटा प्लस 2 ओवर sin थीटा cos थीटा। नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन sin² थीटा इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन cos² थीटा इज सिकेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 अपॉन sin थीटा कोसिकेंट थीटा एंड 1 अपॉन cos थीटा विच इज ए आइडेंटिटी ऑफ दिस स्टेप। क्लियर बच्चों? यस सर। यहाँ पे हमने बेटा देखिए आइडेंटिटी बन गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए 1 है और बी जो है वो आपका सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, एंड दिस थिंग वी वर सपोज टू प्रूव। दिस वाज द राइट हैंड साइड, वी हैव टू प्रूव दिस। प्लीज नोट कीजिए बच्चों इसको। कोई स्टेप नहीं क्लियर है, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। हाँ जी, क्लास 10C ममता इज देयर? इज ममता इन क्लास 10C? यस बेटा एवरीथिंग इज क्लियर? यहां पे हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई इसके बाद? स्क्वायर हाँ जी, a ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। प्लीज सिट डाउन। गुड, हो गया बच्चों नोट डाउन, चले आगे। हाँ यस सर। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट मॉड्यूल 1। टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट 4 थीटा माइनस टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट 4 थीटा इज इक्वल टू कोट 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। टू सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सिकेंट 4 थीटा
माइनस टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट फोर थीटा। देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, ठीक सिकेंट स्क्वायर थीटा, राइट? सो यू आर लेफ्ट विद, इज दिस स्टेप क्लियर, इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट? यस सर। सिमिलरली यू कैन टेक हेयर सीकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन। व्हेन यू आर टेकन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा यू आर लेफ्ट विथ टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इज दिस स्टेप क्लियर? यस सर। नाउ आंसर जो आपको चाहिए वो कॉट और टैन की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करें अब यहां पे, वट वी शैल डू नाउ? यस हाँ जी क्रिश, टेन ई से प्रेजेंट क्रिश, एब्सेंट एब्सेंट है जी, वेरी गुड। सिमरन टेन ए से, हाँ जी शी इज ऑल्सो एबसेंट, नहीं शी इज देयर। हाँ जी बच्चे आगे माइक के पास। यस सर। बेटा एक बात बताइए मुझे, हमें आंसर चाहिए कॉट और टेन की फॉर्म में, सीकेंट और टेन का क्या रिलेशन होता है? सीकेंट थीटा एंड टेन थीटा दोनों में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है बच्चे, यस और नो? आइए बेटा, या तो आपको आती है तो बताइए, नहीं आती है बेटा आप सीधा बोलिए नहीं आती है, सो दैट मैं किसी और को अपॉर्चुनिटी दे सकूं। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये सिमरन ने बोला है जी? नो सर। हाँ जी नाम चेंज हो गया सर, मैंने बताया लखवीर ने। अच्छा 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 ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड। हाँ जी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, राइट? अब हम क्या करते हैं, जहां पे भी सीकेंट स्क्वायर थीटा है वहां पे क्या पुट कर देते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, अब यहां पे ध्यान से पुट करना है बिकॉज माइनस साइन इज आउटसाइड, ठीक है जी? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस सर। सेम इन दिस ब्रैकेट, ठीक है जी? सो व्हाट इट बिकम्स, सो दिस विल बिकम टू माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट? एंड व्हाट दिस बिकम्स, टू माइनस वन माइनस, क्लियर है बच्चों? नाउ व्हाट दिस बिकम्स, आगे तो आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, टू माइनस वन वन, यहां तक तो कोई डाउट बच्चों? जस्ट हमने सॉल्व करके लिखा है और कुछ नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है जी? यस और नो? यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लगाएं बच्चों, ध्यान से देख के बताइए मुझे, एवरीथिंग इज विजिबल। देखिए आइडेंटिटी कौन से वाली बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, यस सर। सो कैन वी अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बिकम्स वन माइनस टेन फोर थीटा माइनस वन माइनस
कॉट फोर थीटा, इज इट क्लियर? इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया ये बन गया 1 माइनस टेन फोर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट फोर थीटा, 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो यू हैव गॉट योर आंसर राइट। कॉट फोर थीटा माइनस टेन फोर थीटा आ गया बच्चों, यस सर। प्लीज नोट डाउन, कोई स्टेप नहीं क्लियर है, कोई एनीथिंग नॉट क्लियर, प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सबको क्लियर है? चलिए प्लीज फटाफट से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया बच्चों नोट डाउन, चले आगे। यस सर। हाँ जी बच्चे सबने कर लिया नोट? ओके, कोई रिस्पांस नहीं है, सो आई एम अज्यूमिंग कि सबने नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो हमने एनसीईआरटी से किया है ना, एग्जांपल 12, यस और नो? यस सर। कैन यू सी दो थर्ड क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन एज एग्जांपल 12, यहाँ पे बस डिफरेंट इतना है कि हमने वहां पे कॉस थीटा से डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को राइट। यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड करके आपको क्वेश्चन मिला है और लास्ट में जाके आपको सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आ जाता है, उसको आपने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो ये दो डिफरेंस है, मींस ये क्वेश्चन जो है एक स्टेप आगे से शुरू हो रहा है उसमें, और इसका सॉल्यूशन भी एक स्टेप आगे करना है उसमें। क्लियर है बच्चों, यस और नो? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इज दिस क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव। कैसे प्रूव करेंगे जी? देखिए इसको प्रूव करने से पहले एक दो आइडेंटिटीज समझिए जी, राइट? हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होती है आइडेंटिटी जी, कौन बताएगा? आप बता रहे हो, मैं नाम लेके पूछूं फिर बच्चों? हाँ जी दमन, दमन है दामिनी, दामिनी इन सेक्शन 10D, 10D हाँ जी बेटा, क्या होता है फार्मूला? जल्दी आ जाइए माइक के पास बेटा, यस बेटा हेल्प नहीं रहनी किसी की, अगर आपको आता है तो बताइए, आप जब से आए वहां से चले पूछते हुए आ रहे हो। इफ यू डोंट नो यू से स्ट्रेट अवे आई डोंट नो। हाँ जी बताइए जरा, क्या हो गया, माइक म्यूट हो गया?
बेटा आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही मुझे। चलिए जिस बच्चे को आता है बताइए जल्दी से फटाफट, नहीं आता तो फिर मैं बताता हूँ। कौन बताएगा बच्चों? नो वन इज सिक्स सेक्शंस ए बी सी डी ई एफ। कोई नहीं बताएगा, कोई तो बताना चाहिए ना। आई एक्सपेक्ट कि देर मस्ट बी फ्यू स्टूडेंट्स जिनको पता होगा ये फार्मूला। हाँ ए प्लस बी जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वेरी गुड बेटा। व्हाट्स अ गुड नेम? दमन दमन और रमन। दमन दमन सेक्शन, बी। राइट। देखिए बच्चों बिल्कुल ठीक इन्होंने बताया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में। सो व्हाट इज लेफ्ट साइड? साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा। कैन वी राइट दिस एज साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। अब ये आपका ए बन गया, ये बी बन गया जी। तो कैन वी अप्लाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब हेयर? तो ये क्या बनेगा बेटा? ए प्लस बी, दिस इज ए दिस इज बी, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इज दिस क्लियर बच्चों? यहां तो कोई डाउट? इज दिस क्लियर और नॉट? यस तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, दिस थिंग विल बिकम वन एंड दिस थिंग। नाउ दिस इज रिटर्न साइन स्क्वायर थीटा, टेक दिस टर्म हेयर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, राइट, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप क्लियर है बच्चों? यहां पे कोई डाउट? राइट। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है वन होता है। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी बना दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। देखिए बच्चों हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी, सबसे बेसिक फार्मूला इज इक्वल टू, ये होता है बच्चों फार्मूला, यस और नो? मैं अगर ये टू ए बी वाली टर्म को इस तरफ ले जाऊं तो व्हाट इट बिकम्स? यस और नो? इज दिस क्लियर? यस सर। तो अब हमारे पास ये वाली चीज गिवन है, मुझे ये वाली फॉर्म बनानी है। सो व्हाट वी कैन डू, आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन डू, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये वाला स्टेप समझ आया बच्चों या नहीं आया? आई हैव यूज दिस इन दिस फॉर्म, और ये वाला फार्मूला मैंने उठा लिया यहां से, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वाली टर्म एज इट इज थी तो ये एज इट इज रहेगी। बच्चों ये स्टेप समझ आया आप लोगों को या नहीं आया जी? इसमें यस सर। कोई डाउट है तो बताइए जरा। कौन सर प्लीज रिपीट। सा वाला बेटा, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला फार्मूला? सर सेकंड वन। बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला तो ठीक लिखा है ना मैंने, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मैं ये टू ए बी को ट्रांसपोजिशनिंग करके लेफ्ट साइड पे ले आता हूं तो हमारे पास राइट साइड पे क्या बच जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, इसके प्लेस पे मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ जी? ए हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
बी है कॉस स्क्वायर थीटा। सो इन दोनों को मैंने इस फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया, राइट और नॉट जी? यस नाउ दिस ब्रैकेट विल बिकम वन और ये -2 -1, सो दिस विल बिकम राइट जी, एंड दिस वी हैव टू प्रूव। कोई डाउट बच्चों इस क्वेश्चन में? चलिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका फार्मूला लगाया बेटा, विच इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ये फार्मूला लगाया तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का फार्मूला लग गया वन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और बाकी जो बचा हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट जी? यस उसके बाद क्या किया हमने, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब ये फार्मूला चेंज किया हमने तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखा। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी बच्चों, विच इज वन, तो वन स्क्वायर विल ऑल्सो बी वन, तो -2 sin² θ cos स्क्वायर थीटा एंड -sin² θ cos स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम -3 sin² θ cos स्क्वायर थीटा। इज दिस क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो प्लीज नोट डाउन दिस, अगर कोई डाउट है स्टिल यू कैन आस्क द डाउट। नोट हो गया बच्चों? ये कर रहे हैं अभी स्टूडेंट? यस कर लिया? यस नो सर। जिन्होंने नहीं किया बेटा फटाफट फिनिश कीजिए। हो गया बच्चों, चले आगे। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जी, सॉरी फिफ्थ, फोर्थ तो हम कर चुके हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी अ बिट रॉन्ग आई थिंक। मुझे कुछ इस क्वेश्चन में डाउट है बच्चों, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। इधर इट शुड बी कोसिकेट स्क्वायर थीटा और इट शुड बी टेन स्क्वायर थीटा, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं कि अगर ये हो जाता है इससे। सो वी हैव कॉट स्क्वायर थीटा, कैन वी राइट कॉट स्क्वायर थीटा एज कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा? और अंदर भी आप चेंज कर दीजिए इसको, लिखिए 1 by cos theta माइनस 1 अपॉन। इज इट क्लियर बच्चों? इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट? यस सर।
यू कैन राइट दिस एज दिस विल बिकम 1 प्लस. इज इट क्लियर? नाउ टेकिंग द एलसीएम इन साइड द ब्रैकेट व्हाट इट बिकम्स? 1 माइनस कॉस थीटा. कॉस थीटा जो है ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इज दिस स्टेप क्लियर बच्चों? इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट? Yes. नाउ वी कैन राइट दिस एज इनटू, ये बन जाएगा कॉस थीटा. नीचे आपने एलसीएम लिया. इज इट क्लियर? ये वाला स्टेप क्लियर हो गया बेटा. यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा विच विल मूव टू द न्यूमरेटर. अब यहां से आप ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर सकते हैं. सेम हियर. इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. नाउ यू आर लेफ्ट विथ कॉस थीटा एंड यू कैन राइट दिस साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. व्हाट दिस बिकम्स? एनी डाउट बच्चों यहां तक? एनीथिंग नॉट क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट? यहां पे हमने एक कॉस थीटा को एक कॉस थीटा से कैंसिल कर दिया था और यहां पे हमारे पास बच गया कॉस थीटा. साइन स्क्वायर थीटा में मैंने आइडेंटिटी लगा दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बाकी तो एज इट इज है. सेम हेयर. यहाँ पे एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद? एनीथिंग नॉट क्लियर इन दिस? क्लियर है बच्चों? इज दिस क्लियर और Yes. नॉट? नेक्स्ट स्टेप देखिए जी. यहां पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है. अब ये नीचे वाली लाइन विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. यहां पे तो आप कुछ नहीं कर सकते. इसको आपने एज इट इज लिखना है. ठीक है बच्चों? देखिए यहां से ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा. राइट? यस और नो? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? यस नाउ आई वॉज करेक्ट कि दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डन बाय दिस वे. अदरवाइज देखिए यहाँ पे ना ये कैंसिलेशन नहीं हो रही है अभी. कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस. हाँ जी, आपको आगे इसमें इश्यू आएगा तो देर मस्ट बी इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म डिफरेंट होगी यहाँ पे. सो वी आर लीविंग दिस क्वेश्चन क्योंकि ये होगा नहीं आगे बच्चों. कोई टाइपिंग एरर लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में. ठीक है जी? इज दिस क्लियर बच्चों? तो इसको हम आगे नहीं सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज राइट देर इज सम प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन. इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? चलिए यस तो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस सेम क्वेश्चन है बेटा जो हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन किया है ना. तो सिक्स क्वेश्चन भी सेम है. देखिए कैसे करेंगे. सिकेंट सिक्स थीटा इज इक्वल टू
टेन सिक्स थीटा प्लस थ्री टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस वन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर जी? इसको प्रूव करने के लिए आप क्या कीजिए, टेक दिस टेन सिक्स थीटा ऑन दिस साइड, राइट? सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, इज दिस स्टेप क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी लगाई थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नाउ वील अप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है जी? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट बच्चों? यस सर। चलिए आप देखिए कैसे लग जाएगी आइडेंटिटी। We can write this as secant square theta whole cube minus tan square theta whole cube. So this is A, this is B. So A cube minus B cube is secant square theta minus tan square theta into secant 4 theta plus tan 4 theta माइनस प्लस ही होगा, क्लियर है जी? अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा? कैन यू हियर मी? Students, can you hear me? I think